जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे योगग्राम। योगग्राम का साइट सीन करेंगे पूरा पेरिफेरी में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यह हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। योग ग्राम में हम प्रवेश करते हुए पतंजलि योग ग्राम, योग ग्राम में एंटर होते ही बाकी सब फॉर्मेलिटी के अलावा हमारा दो डोज तो हो चुका था कोविड का, फिर भी हमारा एक रैपिड टेस्ट हुआ, कोविड टेस्ट हुआ और वो हम लोग नेगेटिव आने की वजह से हमको एंट्री मिल गई। तो अभी हम लोग योगग्राम में एंटर हो चुके हैं। ये हम आगे है योगग्राम। योगग्राम के अंदर अभी हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं। गाड़ी पार्किंग में रख के उसके बाद हम लोग बाकी की सब फॉर्मेलिटी करेंगे, फॉर्म वगैरह जो भरने का रहता है, बाकी सब फॉर्मेलिटी रहती है, वो सब करके बाद में हम आपको आगे पूरा योगग्राम का हम आपको व्यूज सब दिखाएँगे, साइट सीन कराएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी 8 दिन के लिए रहेगी। यह हमारे पीछे जो अभी दिख रहा है वो पूरा पतंजलि का गार्डन व लेक है और उसके अंदर बोटिंग की व्यवस्था भी है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। शाम को अगर समय मिला है तो यहाँ बोटिंग करने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ समय नहीं मिलता है ट्रीटमेंट से, लेकिन फिर भी बच्चे लोग जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर यह एक एंटरटेनमेंट के तौर पर सुविधा की गई है। वैसे तो यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल है पूरा, सवेरे 4 बजे से लेके रात को सोने तक पूरा टाइम ही नहीं मिलता है। एक के बाद एक ट्रीटमेंट वगैरह सब है और योगा वगैरह करना पड़ता है, दिन भर का पूरा शेड्यूल है। तो हम आपको आगे बताते हैं क्या क्या है फैसिलिटी, बाकी सब क्या ट्रीटमेंट सेंटर वगैरह क्या है, वो सब हम आपको दिखा दें आगे। योगग्राम में एंटर होते ही सबसे पहले यह आर्टिफिशियल जो लेक बना हुआ है वो आता है और उसमें बोटिंग फैसिलिटी वगैरह भी है और शाम को यहाँ पर फाउंटेन होता है लाइटिंग के साथ। बहुत ही खूबसूरत लेक बनाया है और बाजू में गार्डन भी है, छोटा सा एक पूल भी है यहाँ पे। पीछे के गेट से एंटर होके अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग में रख के बस यहाँ से अभी हम लोग अंदर आए हैं। सामने ये आपको हमने गार्डन तो दिखा दिया और आगे की साइड में पूरा अभी हम आपको दिखाएंगे। इस साइड में जो है गार्डन है और साथ में लेक भी है, बहुत ही खूबसूरत लेक और गार्डन है। आगे में पतंजलि का मेगा स्टोर है, यहाँ पर सारी जो प्रोविजन स्टोर है वगैरह सब मिलते हैं, पर खाने पीने की चीज़ जो पेशेंट को नहीं देते हैं, दवाई वगैरह सब मिल जाती है। और आगे में जो है नर्सरी भी है और ये एंट्री से पूरा जो है उसका व्यू है। यह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। हेलो, और ये अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। आगे में ये जो है वो किचन का एरिया है, यहाँ भोजन कक्ष है। यह जो है भोजन कक्ष है, यहाँ पर टाइम टू टाइम पर जो कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा वही भोजन मिलता है। आज 2 दिन से मेरे को सिर्फ दूधी का सूप मिल रहा है। और यहाँ पर फाउंटेन है, जो फाउंटेन रात को बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। रात का अभी व्यू हम आपको दिखाएंगे आगे।
यहाँ पर जो है वो सामने वो लेडीज के लिए पंचकर्म का एरिया है पूरा, वो पंचकर्म के लिए साइड है। और ये सब कुटिया है, तपस्वी कुटिया, तपस्वी कुटिया है। सामने जो दिख रहा है वो फीमेल पंचकर्म केंद्र है, महिलाओं के लिए पंच केंद्र। और ये आगे जो है पूरा रास्ता जो है आगे एनिमा वगैरह के लिए है। सवेरे जो है पूरा आई वॉश होता है, बाद में हस्य वगैरह होता है, और सुंदरता देखिए। और फूल फूल तो देखते ही बनता है पूरा एकदम, बहुत सुंदर सजावट। बहुत ही खूबसूरत है। आगे एनिमा व सटकर्म, और उसके आगे जो है वो दिखाई दे रहा है वो जेंट्स लोगों के लिए पंचकर्म केंद्र है, जेंट्स लोगों का पंचकर्म केंद्र। ऊपर जो टांकी दिख रही है वो योगग्राम की, पूरी वाटर टैंक है बहुत बड़ी। ये पूरा गांव ही है, योगग्राम बोलते हैं तो वो पूरा गांव ही है। अभी यहाँ से हमारी 36 नंबर की तपस्वी कुटिया, तपस्वी कुटीर, यहाँ पर 36 नंबर में हमारी रूम है, अलॉट हुई है। ये हमारे सामने रूम के सामने का पूरा गार्डन है। और ये हमारी 36 नंबर की तपस्वी कुटिया। यहाँ पर पूरे बहुत सारे मतलब कैक्टस वगैरह भी उगाए गए हैं, उसको भी उपचार में काम में लेते हैं वो लोग। और ऐसी जो गाड़ियाँ चलती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार, पेशेंट को लेके जाने के लिए, और सब जगह पे दूर दूर है। वैसे हम लोग तो सब जगह चल के ही जाते हैं, पर जो ओवर एज पीपल रहते हैं, जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं और अशक्त लोग रहते हैं, उसके लिए खास करके वो लोग जाते हैं। आगे जो है दिखाई दे रही है वो यज्ञशाला है, यहाँ पर यज्ञ चलता रहता है। और ये डोम जो दिख रहा है ये बहुत ही खूबसूरत डोम है, लगभग 270 फुट का उसका डायमीटर है। बहुत ही बड़ा डोम है, बहुत ही बड़ा डोम, और उसके अंदर लगभग कम से कम 1000 से 1500 या ज़्यादा ही लोग उसमें आते होंगे। यहाँ ये टाइप की हट भी जो है, क्योंकि अभी बहुत ही लोग आते हैं ना, तो मतलब ये टाइप की जो व्यवस्था की है, बोलते हैं ना कि नेचुरोपैथी है तो नेचुरली रहने का भी मतलब ऐसा गांव में जैसे रहता है ऐसा। और बहुत कुछ काम भी चल रहा है अभी। और ये पूरा एरिया फिर से हम आगे से दिखा रहे हैं, तपस्वी कॉटेजेस है यहाँ, महर्षि कॉटेजेस है यहाँ, राजर्षि कॉटेजेस है आगे, निरामयम भी है और निसर्ग भी है। और ये जो है वो यज्ञशाला है, यज्ञशाला। हाँ, वो यज्ञशाला के पीछे पूरे ट्रीटमेंट सेंटर है, वहां पे हम लोग लेके जा रहे हैं अभी आपको। और ये जो है पूरा डॉम है, ये योगा का डोम है पूरा योगा करने के लिए। उसके बाजू में निरामयम है, निरामयम ये जो है थोड़ा वीआईपी टाइप का है। हमारे पीछे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो निरामयम है, और ये वीआईपी जो आते हैं एनआरआई वगैरह वीआईपी, और सबसे मतलब ज्यादा कॉस्टली जो रहता है वो यही है निरामयम। और दो बाजू पे और भी नई निसर्ग करके कुटिया सब बनाई हुई है पीछे। ये पूरा आप देख सकते हैं ये निरामयम है, और पीछे जो है वो निसर्ग कुटिया है, निसर्ग। यह सारी निसर्ग कुटिया है, बोलते हैं ना गांव में जैसे हम लोग, हाँ ऐसी पूरी कुटिया है निसर्ग कुटिया। और अभी बिना बैठी हुए इधर चूल्हे पर झूल रही है, बोलो। बहुत ही खूबसूरत ये निसर्ग कुटिया है,
निसर्ग मतलब प्रकृति के बीच में रहकर जैसे हम लोग बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, और यहाँ रहने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बहुत ही सुंदर नैसर्गिक वातावरण में जब रहते हैं तो आपो आप अपना जो शारीरिक व्याधि होती है उसकी पीड़ा कम हो जाती है, ऐसा लगता है। बहुत ही सुंदर वातावरण सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नेचुरोपैथी सेंटर है जहाँ पर हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं हर रोज़। जो सामने कुटिया दिखाई दे रही है वह है यज्ञशाला। यहाँ पर यज्ञ थेरेपी की जाती है, और जो जिस प्रकार के रोग हो उसी द्रव्य से यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। और हम जा रहे हैं यह नेचुरोपैथी सेंटर का रास्ता है। ये जो पीछे दिख रहा है वो निरामयम है, अभी योगा का डोम आएगा। ये योगा डोम है, ये पूरा योगा डोम है। निसर्ग कुटिया से हम लोग अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है योग्राम की उसमें बैठ के अभी आपको हम पूरा योग्राम का साइट सीन करा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही खूबसूरत योग्राम का अभी आप देखेंगे पूरा बाहर से व्यू, आउटर व्यू ऑफ योग्राम। तो चलिए हमारे साथ। ये पूरा पीछे जो दिख रहा है वो ट्रीटमेंट सेंटर है। यज्ञ मंडप, योगा डोम, यहाँ पर भी कुछ कुटिया बनी हुई है। ये सभी सारी तपस्वी कुटिया है। ये अभी महर्षि कुटिया है जिसमें एसी लगा हुआ है। तपस्वी कुटिया है उसमें ये सारी महर्षि कुटिया है। ₹2019 में जब हम लोग आए थे तभी यहाँ पर रुके हुए थे, ये महर्षि कुटिया में। पूरी महर्षि कुटी है, कुटिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, यहाँ पर कैंटीन है। ये पूरा तालाब भी है, इसके अंदर बोटिंग होती है। आगे बहुत सुंदर बगीचा भी है। ये पूरा योग्राम का हम आजू बाजू से नजर आपको दिखा रहे हैं। ये राजर्षि कुटिया, ये राजर्षि कुटिया जो है वो थोड़ी बड़ी कुटिया है। उसके अंदर वन बेडरूम हॉल, किचन नहीं, वन बेडरूम और हॉल ऐसा रहता है। बड़ी मुनिराज कुटिया। और ये साइड में जो है पूरा वो लेक है, बीच में एक लेक छोटा सा बना हुआ है, वहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। बहुत ही खूबसूरत है ये मुनिराज कुटिया। और उसके सामने लेक। और ये पीछे जो दिख रहा है वो मेन गेट है जहां से हम लोग एंटर हुए थे। ये अभी हम लोग किचन में अभी जो है भोजनालय वहां पर अभी हम लोग जा रहे हैं। ये पूरा है नर्सरी, और यहाँ पर ये मेगा मॉल है, मेगा स्टोर। और वापस हम लोग आ गए एडमिन ऑफिस को पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है डोम। रात के टाइम तो एकदम से कलर चेंज हो रहा है सब। और अपना ऊपर अपना तिरंगा शान से
हवा में फैल रहा है। बहुत ही बढ़िया डोम है। अभी आप देखेंगे कलर चेंज होएंगे। ये योगा डोम है। बस तो आज इतना ही। ये खूबसूरत फाउंटेन को देखते देखते हम हमारे ये एपिसोड का समापन करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको किचन व योगा डोम जो है वो अंदर से आपको दिखाएंगे। साथ में हम लोग रामदेव बाबा का हमको आशीर्वाद भी मिला, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको हमारे ये व्लॉग अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।